सनातन धर्म पर लगातार राजनीति हो रही है, नेताओं के विवादित बयान आ रहे हैं। सनातन धर्म के खिलाफ उदयनिधि स्टालिन और ए राजा के बयानों पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मामले में तमिलनाडु सरकार के अलावा उदयनिधि और राजा समेत भड़काऊ बयान देने वाले दूसरे डीएमके नेताओं से जवाब मांगा है। हमारे संवाददाता निपुण सहगल की रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शुरू में इस मामले को हेट स्पीच के खिलाफ लंबित दूसरी याचिकाओं के साथ सुनने की बात कही। हालांकि बाद में साफ किया गया कि इसे अलग से सुना जाएगा। चेन्नई के एक वकील बी जगन्नाथ ने याचिका दाखिल कर मांग की है कि उदयनिधि और राजा पर FIR हो, डीएमके नेताओं को ऐसे बयान देने से रोका जाए, तमिलनाडु में सनातन धर्म के खिलाफ हो रहे कार्यक्रमों को असंवैधानिक करार दिया जाए, साथ ही इस बात की जांच हो कि क्या इस तरह के लोगों को विदेशों से फंडिंग मिल रही है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला त्रिवेदी की बेंच ने सबसे पहले याचिकाकर्ता को मद्रास हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील पी वल्लियप्पन ने जजों को बताया कि नफरत फैलाने वाले बयानों पर सुप्रीम कोर्ट पहले से ही सुनवाई कर रहा है। उसने सभी राज्यों की पुलिस को ऐसे बयानों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है, फिर भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि बयान देने वाले लोग राज्य सरकार के मंत्री या सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं। इस पर जजों ने जानना चाहा कि जिस सबसे पहले बयान का हवाला याचिका में दिया गया है वह किस संदर्भ में दिया गया था। वकील ने बताया कि उस भाषण में एक पूरे धर्म यानी सनातन धर्म के उन्मूलन की बात कही गई है। अगर बयान देने वाले लोग जाति व्यवस्था के विरोधी हैं तो उन्हें उसके खिलाफ बात कहनी चाहिए थी। एक धर्म को बीमारी बताना और उसे नष्ट करने की बात उनके इरादों पर सवाल उठाता है। वल्लियप्पन ने बताया कि सत्ताधारी पार्टी की तरफ से अब छात्रों से कहा जा रहा है कि वह अपने विश्वविद्यालय और कॉलेज में सनातन धर्म विरोधी कार्यक्रम करें, ऐसी चीजों पर रोक लगनी चाहिए। थोड़ी देर तक याचिकाकर्ता की दलीलों को सुनने के बाद बेंच ने याचिका पर नोटिस जारी कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की हर अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABP Live।